नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वहाँ पे री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जी हाँ, जो कि होता है री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। जिसको जैसे कि दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो भी आपके पास एक व्हीकल है दोस्तों, वो अगर एक्सपायर हो जाए, उसका जो पीरियड होता है रजिस्ट्रेशन का, वो दोस्तों जो लिमिट होती है, अवधि होती है हर एक मोटरसाइकिल या एक कार की दोस्तों, जब भी आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसकी एक पर्टिकुलर टाइम होती है, स्लॉट होता है, उस टाइमिंग के बाद, उस लिमिट के बाद, लिमिटेशन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका, जिसको आप RC बोलते हो। तो RC दोस्तों 15 साल तक वैलिड माना गया है वहाँ पे मोटरसाइकिल या कार के लिए। दोस्तों 15 साल के बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने उस वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, इन केस अगर आप वो मोटरसाइकिल 15 साल तक रखते हो या फिर कार अपनी 15 साल तक रखते हैं अपने साथ, तो आपको दोस्तों फिर से वहाँ पे री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने नियरेस्ट RTO ऑफिस में जाकर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रूल कहता है वो ये लिखा हुआ है रूल में दोस्तों का, इन केस अगर आप वहाँ पे नहीं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 15 साल के बाद दोस्तों, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन 15 साल तक वैलिड माना जाता है, अगर आप 15 साल के बाद दोस्तों वहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं जाकर अपने RTO ऑफिस में, तो इस केस में दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है और दोस्तों वहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी भी आपको चुकानी पड़ सकती है। और इस केस में दोस्तों आप कोई भी अपना वाहन जो है वो बेच भी नहीं सकते हैं, उसका इंश्योरेंस भी नहीं होगा, अगर आप बेच देंगे तो इंश्योरेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से इसके लिए दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपका मोटरसाइकिल या फिर कार आपकी 15 साल से एबव की है तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, उसकी कितनी फ़ीस लगती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और वहाँ पर कौन कौन से कौन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, किस तरीके से आपको प्रोसेस का अप्लाई करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है वो दोस्तों 15 साल तक वैलिड माना गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म 25 जो होता है उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने फिर से उसी व्हीकल के लिए। और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले बात करें तो ओरिजिनल आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जो पहले वाला है जो एक्सपायर हो चुका है, 15 साल तक वैलिड है, वो लगेगा। फिर उसके बाद आपका इंश्योरेंस लगने वाला है यहाँ पे, जी हाँ, इंश्योरेंस पेपर आपका लगेगा। फिर उसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका लगेगा। फिर वहाँ पर बात करें दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो इस केस में आपका दोस्तों PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो लगता है दोस्तों, पोल्यूशन के लिए सर्टिफिकेट बनता है, वो दोस्तों आपको लगाना है। और उसके बाद दोस्तों आपका एक एफिडेविट भी आपको लगाना पड़ेगा। ये होती हैं दोस्तों मेन जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके व्हीकल के लिए। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट लगता है, आपका मतलब कि इन द सेंस कि आपका वहाँ पर एक बर्थ सर्टिफिकेट, दो एड्रेस प्रूफ लगेंगे जिसमें एक बर्थ का और एक एड्रेस का रहेगा। तो एक यहाँ पर आप आधार कार्ड और एक इसके बाद आपका एक पैन कार्ड लगने वाला है, इसके आपका फोटो स्टेट आपको करवा के रख लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल जा रहे हैं दोस्तों, ये आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए अगर आप एक री रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो अपने व्हीकल के लिए। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि वहां पे जो ग्रेस पीरियड होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूं। ग्रेस पीरियड होता क्या है? ग्रेस पीरियड ये है कि सपोज़ दैट जिसे आपका व्हीकल आज एक्सपायर हो रहा है, इनकेस दोस्तों आपका जो व्हीकल है वो वहां पे 20 अक्टूबर को एक्सपायर हो गया है, आपके व्हीकल का सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो 20 अक्टूबर को एक्सपायर हो गया, तो 20 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर से 20 नवंबर और 20 नवंबर से 20 दिसंबर, तो 2 महीने आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस 2 महीने में दोस्तों आपको टाइमिंग दिया जाती है कि इस 2 महीने में आप अपने व्हीकल का फिर से री रजिस्ट्रेशन करवा लें तो आप लेट फीस से बच सकते हैं। ये होता है दोस्तों, मैंने आपको हिंदी में कंक्लूजन बिल्कुल बता दिया ग्रेस पीरियड के बारे में। काफ़ी सारे लोग दोस्तों बताते हैं ग्रेस पीरियड ये होता है वो होता है, तो इसमें दोस्तों काफ़ी सारे लोग भूल भी जाते हैं और बाद में दोस्तों कमेंट में आके मुझसे पूछते हैं कि ग्रेस पीरियड क्या होता है हमें बताएं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि यहां पे ग्रेस पीरियड जो होता है वो यही होता है कि 2 महीने आपको ग्रेस टाइमिंग दिया जाता है कि अगर आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो 2 महीने के अंदर अंदर आप अगर बनवा लेते हो फिर से तो आपका इस केस में कोई भी पेनल्टी लेट फीस नहीं लगेगा, यही होता है ग्रेस पीरियड। अब मैं बात कर लेता हूँ फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ़ीस क्या आपको लगेगी, जैसे आप अगर मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो जो स्लॉट एकदम जो वहाँ पे ऑनलाइन जो फ़ीस मैंने देखी है वो दोस्तों फ़ीस है 300 रुपीज़ फॉर मोटर व्हीकल, वहाँ पे माफ़ कीजिएगा मोटरसाइकिल के लिए। मोटरसाइकिल अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 300 रुपये आपको
चुकाना पड़ेगा। जो ऑथराइज्ड फीस है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फ़ीस बढ़ती घटती रहती है और फीस अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन जो आइडियल केस जो मैंने देखी है वेबसाइट मैंने सर्च की उसमें 300 रुपये मानक दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए मोटरसाइकिल के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों री रजिस्ट्रेशन फ़ीस है कार के लिए वहाँ पे 600 रुपये रखी गई है, सारे डॉक्यूमेंट प्लस 600 रुपये फ़ीस और फॉर्म 25 आपको फिलअप करना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन के लिए। और आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से, www.parivahan.gov.in से। और वहाँ पर दोस्तों साथ में आप उसको क्लिक करेंगे वाहन और सारथी, दो पोर्टल रहेंगे, तो आपको वाहन वाले पे क्लिक करना है, फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, आप अपने गाड़ी का नंबर वगैरह डालकर फिर से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो री रजिस्ट्रेशन के लिए। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, और ऑफलाइन के लिए आप नियरेस्ट अपने जो आपके RTO ऑफिस है वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपका ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फॉर्म 25 ए फिलअप करने के बाद। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया कौन कौन से आपके वहाँ पे लगने वाले हैं, और मैंने आपको फ़ीस भी बता दी, ग्रेस पीरियड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अब दोस्तों RC जो बनता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पहले वो पेपर में बन के आता था लेकिन अब वो पेपर में नहीं बनता है। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो दोस्तों कार्ड में बन के आता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड अब उसको आप बोला जाता है। तो कार्ड में अगर आपको बनवाना है तो फॉर्म 23A भी आपको लगाना पड़ेगा, फॉर्म 23A जो होता है वो स्मार्ट कार्ड के लिए होता है। तो आपका स्मार्ट कार्ड में प्रिंट होके आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि अब दोस्तों जो RC पेपर है वो RC कार्ड में बन के आता है, और नया वाला RC कार्ड कैसे दिखता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई रखी है, प्लेलिस्ट में आप मैंने बना कर रखी है ड्राइविंग लाइसेंस की, उसमें जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारे नॉलेज आपका इम्प्रूव होंगे उन सारी वीडियोस को देखने। तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर देखें, और आई बटन में लिंक भी है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब बनता है रजिस्ट्रेशन कार्ड में, स्मार्ट कार्ड में, जैसे ATM कार्ड होता है उस तरीके से अब कार्ड आपका बन के आएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला। तो उसके लिए दोस्तों आपका फॉर्म 23A आपको लगाना पड़ेगा इन सारे डॉक्यूमेंट के बाद जो मैंने आपको बताया अभी। उसके साथ दोस्तों आपका वहाँ पे 200 रुपये अतिरिक्त आपको लगाना पड़ेगा, 200 रुपये आप लगाएंगे तो आपका जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कार्ड में बनकर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों लेट पेमेंट की, लेट फीस भी होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप री रजिस्ट्रेशन अपने टाइमिंग जब एक्सपायर हुआ तब से लेकर 2 महीने तक दोस्तों अगर आपने ग्रेस पीरियड में भी नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया तो कितनी आपको फ़ीस लगती है, ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि वहाँ पे जो लेट फीस का प्रोसीजर है वो दोस्तों मोटरसाइकिल के लिए 300 रुपये पर मंथ डिसाइड किया गया है, जी हाँ आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों कार का, फोर व्हीलर का 500 रुपये यहाँ पे डिसाइड किया गया है लेट फीस, अगर आप दोस्तों ग्रेस पीरियड के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। जैसे कि आप 1 महीने से लेकर दोस्तों 12 महीने तक नहीं करवाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन तो आपका 6000 रुपये मोटरसाइकिल के लिए वहाँ पे 3600 रुपये, 3600 रुपये, और हर महीने का दोस्तों 300 रुपये है, और वहाँ पे कार के लिए हर महीने का 500 रुपये। तो कार के लिए 6000 रुपये आपका एक साल में अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फिर से दोबारा तो इतना आपको लेट पेमेंट देना पड़ेगा, कार के लिए 500, मोटरसाइकिल के लिए 300 रुपये, ये आप नोट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये वहाँ पे मैंने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, कितनी फ़ीस है, कितनी लेट फीस है, ग्रेस पीरियड क्या होता है, और दोस्तों स्मार्ट कार्ड में कैसे आप बनवा सकते हो, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने व्हीकल का फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो नियरेस्ट RTO ऑफिस में विजिट करके, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिएगा, क्योंकि सब लोगों को पता चल जाए कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैसे उसको करवाते हैं, अगर वो एक्सपायर हो गया है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्या उसके प्रोसीजर वगैरह हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये वीडियो, आप इस हमारे चैनल पे नए आ गए हो तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस डेली इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, दोनों ऑन रखिएगा, ऑल पे सेलेक्ट करके बेल आइकन को, ताकि आपकी मेरी जो नई वीडियो मैं लेकर आऊँ फ्यूचर में वो आप तक सबसे पहले मिल जाया करे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मैं आपको बताया ये सारी डॉक्यूमेंट, ये सारी मैंने दोस्तों वहाँ पे खुद से एनालाइज और रिसर्च करके मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको अब कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर आपको दे दी है। तो यहाँ पे अब मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, लेकिन अगर आपके मन में कुछ लोगों के मन में अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट है दोस्तों इस वहाँ पे रजिस्ट्रेशन से संबंधित, तो आप नीचे जाइए और कमेंट करिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली ज़रूर दूंगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।